गृहस्थी चलाना आसान नहीं होता और डेली रूटीन के सभी काम करते समय हमसे जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और फ्रेंड्स, आज काफ़ी लंबे समय के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं किचन टिप्स और होम हैक्स वाला वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़रूर से हेल्पफुल रहेगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आज के नाश्ते में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। सबसे इजी और बहुत जल्दी बनने वाली सब्जी होती है ये, तो नाश्ते में बनाएंगे या अगर ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए बनाना हो तो रात को काट कर रख दीजिए, फटाफट से बन जाती है। और फ्रेंड्स, अभी 2 महीने पहले टमाटर का रेट इतना हाई हो गया था, 200-250 रुपये किलो, तो मैंने क्या किया उस टाइम पर सौंठ पाउडर और आमचूर पाउडर का इस्तेमाल करती थी। मैंने टमाटर बिल्कुल भी नहीं मंगाए थे। और पूरे साल में कभी ना कभी ऐसे दिन ज़रूर आते हैं जब कोई ना कोई सब्जी ज़रूर महंगी हो जाती है, लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट अगर हम ढूंढ लें तो हमारा काम आसान हो जाता है और साथ ही में बहुत सारे पैसों की बचत भी हो जाती है। और फ्रेंड्स, टमाटर की जगह हम आमचूर पाउडर का या अचार के मसाले का या फिर नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, अगर वो मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे तो उन्होंने देखा होगा जब भी मैंने कोई सब्जी बनाई पिछले 2 महीने तो उसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया था। और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आमचूर। मैंने तो सूखी सब्जियां करौंदे की सब्जी से बनाई थी कि इवन दाल भी बनाई थी। आगे वीडियो में थोड़ी सी क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, किचन में काम करते वक्त हम काफ़ी सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारा काम बढ़ा देती हैं। तो जब भी आप किचन में काम करें, कुकिंग करें, तो अपने कुकिंग टाइम को कम करने के लिए आप ये सब चीज़ें साइड बाय साइड कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कुछ कुकर में बनाने के लिए चढ़ाया है तो साइड बाय साइड जो आपकी मसालादानी है वो फिल कर दीजिए, या फिर जो ग्रॉसरी आपने ला के रखी है थोड़ी बहुत वो डाल दीजिए। और यहाँ पर देखिए, मेरी शुगर जो है वो कंटेनर में ख़त्म हो रखी थी और राशन लाने में अभी काफ़ी टाइम था। तो इस तरह से जब भी कोई ग्रॉसरी ख़त्म हो जाती है तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे किचन में एक छोटी सी डायरी रखी हुई है। यहाँ पे ये स्टिकी नोट्स वाले पेपर रखे हुए हैं, तो फटाफट से इनके ऊपर लिख लेती हूँ जो भी सामान मुझे मंगाना होता है या फिर जिसकी अर्जेंट नीड होती है। तो शाम को व्हाट्सअप कर देती हूँ हस्बैंड को, वो ऑफिस से आते वक्त ले आते हैं, या फिर जब मैं ग्रॉसरी लेने जाती हूँ तो ले आती हूँ। और ये बिल्कुल सामने चिपकाती हूँ ताकि ये मेरी नज़रों के बिल्कुल सामने रहे और मतलब मुझे याद रहे कि ये वाली किचन की ग्रॉसरी ख़त्म हो चुकी है। और फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था ना किस तरह से टमाटर की एब्सेंस में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करी जिनकी वजह से सब्जी खट्टी भी हो जाती थी और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आता था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी दाल, इसके अंदर मैंने डाल दिए थे करौंदे। तो और करौंदे को पीस कर भी आप टमाटर जैसा टेस्ट अपनी सब्जी में ला सकते हैं, काफ़ी खट्टे होते हैं ये। तो इसी तरह से जुगाड़ करके महंगाई के टाइम में अपने घर की गृहस्थी चला लेना चाहिए। और साइड में यहाँ पर नींबू है, वो स्टीम हो रहे थे तो मैंने एक बाउल में पानी भर के उनको स्टीम कर लिया था। उसके बाद कट करके बनाए थी यहाँ पर नींबू की चटनी। और जो फ्रेंड्स मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो नींबू के अचार की रेसिपी पूरी शेयर कर चुकी हूँ एक ब्लॉग में, उसका लिंक दे दूँगी, देख लीजिएगा। और चटनी भी, जो नींबू की चटनी भी उसी तरीके से बनती है। बस नींबू के अचार में जो स्लाइसेस हैं वो पूरे पूरे रहते हैं, लेकिन चटनी के लिए हमें उन स्लाइसेस को थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ता है। और ये क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो नींबू हैं ये ख़राब हो गए हैं। आज मैंने फ्रिज क्लीन किया था तो ये कहीं फ्रिज में पीछे रह गए थे तो उसकी वजह से ये ख़राब हो गए, लेकिन अब इनका मैं क्या करूँगी वो देखिएगा। और फ्रेंड, प्रकृति का दिया हुआ कुछ भी बेकार नहीं होता है, तो गृहस्थी चलाते वक्त ऐसी गलतियां हमसे जाने अनजाने हो ही जाती हैं, लेकिन एक स्मार्ट गृहिणी वही होती है जो बेकार चीज़ों को भी पूरी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके। हालांकि ऐसी जब चीज़ें ख़राब हो जाती दुख तो बहुत होता है, लेकिन ऐसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स अगर हमें पता हो तो हम बेकार चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ये बेकार से नींबू थे जो सूख गए थे, कुछ गल गए थे, तो उनको मैंने काट लिया है और एक बाउल में पानी भर लिया है और इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगी और इसको काफ़ी देर तक पकाना है जब तक इनका रस जो है वो अच्छी तरह से पानी के अंदर ना निकल जाए। नींबू के पानी का क्या इस्तेमाल करूंगी, स्मार्ट गृहणियाँ सब समझ ही गई होंगी। तो बस जब तक ये पक रहा है तब तक यहाँ पे जो ये मिर्चें थी थोड़ी बहुत सूख गई थी और थोड़ी बहुत मिर्चें ऐसी थी जो सही कंडीशन में थी, तो मैंने इनको धोकर अच्छी तरह से सुखा लिया था। और नींबू भी, जो थोड़े से नींबू थे उनको भी मैं कट कर लूँगी और हरी मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। और जो सूखी मिर्चें हैं बिल्कुल जो रेड कलर की हो गई हैं उनको आप धूप में सुखा कर पीस सकते हैं और सब्जी में उसे डाल सकते हैं उस पाउडर को।
और जो बिल्कुल लाल हुई हुई मिर्चें हैं अगर आपको इस्तेमाल नहीं करनी है सब्जी के अंदर तो आप उन्हें कंपोस्ट बना सकते हैं, वेजिटेबल कंपोस्ट। अपने घर में इस तरह का एक गमला या फिर कोई बाउल वगैरह रखिए, मिट्टी का घड़ा वगैरह, उसमें आप जितनी भी सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं या फिर छिलके वगैरह हैं तो उन्हें डाल दीजिए, साथ में मिट्टी डाल दीजिए, तो आपकी वेजिटेबल कंपोस्ट तैयार हो जाती है जो आपकी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है। मैंने इसका भी एक वीडियो शेयर किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो ये जो है नींबू का पानी, ये ठंडा हो गया था, फिर मैंने इसको हाथ से अच्छी तरह से मसल के इसका जो जूस है वो पूरा निकाल लिया। आप में से काफ़ी लोग ये वाला टिप यूज़ करते होंगे, जब डस्टबिन में से स्मेल आती है तो नींबू का टुकड़ा उसमें डाल देते हैं तो वो स्मेल बिल्कुल भी नहीं करता है। और इस तरह से अगर फ्रिज में हम काट कर नींबू का टुकड़ा रखते हैं तो फ्रिज में से भी किसी तरह की बैड स्मेल नहीं आती है। तो जो जितना भी पानी था नींबू का वो मैंने एक बॉटल में भर के रख लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा डिश लिक्विड डाल दिया है। और उसको किस तरह से इस्तेमाल करूँगी अभी आगे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बस ये जो चटनी मैंने बनाई थी इसको डाल लिया है मैंने एक ग्लास जार में, जो कि एक जैम बॉटल है, और बहुत ही अच्छी चटनी बनी थी फ्रेंड्स ये। मैंने तो यहाँ पर थोड़े से नींबू की इस तरह से चटनी बनाई थी। अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो आपकी सालों साल ये चटनी ख़राब नहीं होगी, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई है। तो जो ये हरी मिर्चें हैं और ये नींबू हैं इनका भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना है। और मैं अचार तो डालती ही रहती हूँ, आपको मेरे ब्लॉग्स में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हरी मिर्च और नींबू का अचार मैंने डाला है बहुत ही सिंपल तरीके से। जो नींबू और मिर्ची को मैंने काट के रखा था वो मैंने जार में डाल दिया है, ये भी जैम की ही बॉटल है, और इसके अंदर बस डाला है मैंने सिंपल नमक और थोड़ी सी हल्दी, और यहाँ पे मैंने अचार का मसाला बना के रखा हुआ है। इसकी कंप्लीट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन, कलौंजी, ये सब पीस के मैं अचार का मसाला बना के रखती हूँ और इसको सब्जी में भी यूज़ करती हूँ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। तो जो नींबू और टुकड़े थे उसको मैंने निचोड़ दिया है। नींबू और नमक प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे और थोड़ा सा अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है। और देखिए हमारा ये नींबू मिर्ची का अचार बनके तैयार हो गया है और नींबू की चटनी भी तैयार हो गई है। और बस बाद में मुझे याद आया कि इसमें काला नमक और डालना था तो वो भी डाल दिया है। और काला नमक और वाइट नमक जो डाला है वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और ये अचार भी बहुत अच्छा बना था फ्रेंड्स। मैंने तो यहाँ पे जो सूख गई थी मिर्ची उनका बनाया था, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आया था। अगर आप फ्रेश मिर्चों का बनाएंगे तो शायद अचार आपका और भी अच्छा बनेगा। फ्रेंड्स गलती तो हो ही जाती है काम करते वक्त, लेकिन अगर उन्हें टाइम पर सुधार लिया जाए तो काफ़ी सारे पैसों की और समय की तो बचत होती ही है, साथ ही में बहुत सारा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि कोई चीज़ ख़राब होने से हमने बचा ली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नींबू और डिश लिक्विड का ये मैंने मिक्सचर बना के रखा था इस बॉटल के अंदर, तो अब इसको यूज़ करने जा रही थी। इस लिक्विड को यूज़ करने के लिए आप किसी भी स्प्रे बॉटल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो इस तरह की बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो आपका सैनिटाइज़र की बॉटल होती है वो भी स्प्रे बॉटल का ही काम करेगी, या फिर किसी भी क्रीम की बॉटल का जिसमें स्प्रेयर लगा होता है उस बॉटल का अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं स्प्रे बॉटल की तरह। तो और फ्रेंड्स यहाँ पर एक गलती और मुझसे हो गई थी, ये जो बॉटल थी बहुत छोटी थी, इसके अंदर मैंने विनेगर और सोडा डाला तो, और विनेगर और सोडा मिलकर एकदम रिएक्ट करते हैं और जो बहुत अच्छा क्लीनर होता है। वैसे आप खाली नींबू और डिश लिक्विड को भी यूज़ करेंगे क्लीनिंग के लिए तो आपकी काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही बढ़िया इफेक्ट चाहिए था तो मैंने ये चीज़ें डालकर देख ली। तो बस ये बॉटल छोटी थी इस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन जो जितना भी लिक्विड यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर गिरा था वो उससे मैंने सारी डाइनिंग टेबल साफ़ कर ली है, और किचन मेरी सेंटर टेबल थी वो भी साफ़ कर ली थी, तो ये जो लिक्विड था ये वेस्ट नहीं हुआ, इससे अच्छी सारी मेरी क्लीनिंग हो गई थी। फ्रेंड्स इस क्लीनर से आप बहुत अच्छे से चमका सकते हैं किसी भी ग्लास सरफेस को या फिर आप टाइल्स वगैरह को। बस थोड़ी देर इसको इस ऊपर स्प्रे करके छोड़ दीजिए, 5 मिनट बाद आप साफ़ करेंगे तो बहुत जल्दी से आपका जो डाइनिंग टेबल है चमक उठेगा। फ्रेंड्स ये जो लिक्विड हमने बनाया है ये ऑल पर्पज़ क्लीनर है, तो आप जब भी बर्तन वगैरह धोएं तो उसमें डिश लिक्विड में थोड़ा सा मिला लीजिए तो आपका जो डिश लिक्विड की है क्वांटिटी वो कम यूज़ होगी और आपके बर्तन भी चमचमा उठेंगे और जो खुशबू फैलेगी किचन में उसका तो क्या ही कहना। और फ्रेंड्स इस लिक्विड का मैं अच्छे से यूज़ कर रही हूँ, अपनी ड्रेसिंग टेबल पे मैंने इससे चमका ली, बस डालकर थोड़ी देर छोड़ दिया था, फिर एक गीले कपड़े से हल्का सा वाइप किया और अखबार से साफ़ कर दिया और ये देखिए चमक उठा है मेरा ड्रेसिंग टेबल। आई होप फ्रेंड्स जितने भी आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलूंगी इसी तरह की यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।